प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कुरान और इधर वाला कुरान, और मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर जो उलमाए कराम है, जो तशरीह करते हैं, जो उसकी तफसीर करते हैं, वो फर्क डालते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए हमारे, तो हर जो मकतबा फिक्र है, हर जो मसलक है, उसने अपने कुरान पाक अलग रखा हुआ है। वो ये कहता है कि जी नहीं, तुमने उसकी तशरीह नहीं पढ़नी, उसकी तफसीर नहीं पढ़नी, तुमने इस मौलाना की पढ़नी। वो दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, तुमने वो उस कुरान को हाथ नहीं लगाना, उसको नहीं पढ़ना, तुमने इस मौलाना का जो उसने जो तर्जुमा किया है, जो उसने तफसीर की, जो उसने तशरीह की, वो तुमने वो पढ़नी है। तो कुरान तो एक ही है, आयत तो एक है, लेकिन उसका तर्जमा वो मौलवी और कर रहा है, वो दूसरा मौलवी और कर रहा है, वो अपनी मर्जी का उसका उसमें से चीज निकालता है, दूसरा अपनी मर्जी की चीज निकालता है। तो ये इतना हमारे जो आपने जैसे शुरू में भी बात की कि हमारे जो खास कुछ मसलक ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा वो रेडिकल उनका माइंड सेट है, तो ये उसी की वजह से आप समझती हैं कि जो अपनी मर्जी की वो उन्होंने तशरीह की है या तफसीर की है कुरान पाक की। देखिए, मैंने मौलाना साजिद रशीदी से भारत के नेशनल न्यूज पर एक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे सिर्फ दो चीजें अल कुरान से निकाल करके दिखा दीजिए। पहली एक चीज कि 72 वर्जिन हूर का जिक्र अल कुरान में कहां पर है, और दूसरा हिजाब बुरका अबाया नकाब कहां पर अल कुरान में लिखा हुआ, मुझे बता दीजिए। ट्रांसलेट कौन से भाषा में करूं, बिकॉज आई हैव कमांड ऑन 7 to 8 लैंग्वेजेस, तो आपको जिस भाषा में समझ में आता है मैं उस भाषा में मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। सूरे अल-नूर में जिलबाब का जिक्र है, जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, अबाया बुरका हिजाब तो होता ही नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अगर इस्लाम में हिजाब इतना ही जरूरी था तो आदम और हव्वा जी को तो आसमान से जन्नत से फेंका जाना चाहिए था हिजाब के साथ, नंगा काहे को फेंका गया। अब मैं पूछना चाह रही थी कि अगर हिजाब नकाब अबाया इतना ही जरूरी था तो अल्लाह तबारक ताला ने जब ये दुनिया बनाई और इतने प्रॉफिट यहाँ पर नाजिल किए गए उतारे गए, तो क्या उनकी बीवियां उस वक्त फैक्ट्री और शॉपिंग मॉल से हिजाब खरीद कर लाया करती थी क्या? कपड़े की फैक्ट्री वगैरह बना चुके थे अल्लाह पाक पहले क्या इस दुनिया में? अगर बना चुके थे तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, जहां तक हमें इल्म है कि भाई दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े की फैक्ट्री नहीं थी या दर्जी नहीं था, शॉपिंग मॉल नहीं थे, बटन नहीं थे सुंदर सुंदर, स्टोन नहीं था सुंदर सुंदर जो अभी हम लोग हिजाब और अबाया में देखते हैं। देखिए, गलत तरीके से झूठ बोल बोल करके भारत और पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने अपनी तकदीर को और अपने लैविश लाइफ को चमकाया है, और मुसलमान युवा पीढ़ी को इन लोगों ने नेस्त नाबूद बर्बाद कर दिया, डेविस्टेट किया है, खत्म कर दिया है। और ये जितने भी भारत और पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, इनको दुखती रग मुसलमान मर्दों की समझ में आ गई, कमजोर नफ्स इनको समझ में आ गई। उनको समझ में आ चुका था जितने भी मौलवी मुल्ला हैं भारत और पाकिस्तान के, कि हम इनसे खूबसूरत बातें करेंगे ये हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम इनसे औरत के बारे में बात करेंगे, औरत के उजू के बारे में बात करेंगे, हम इनको बताएंगे कि चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, दूर की अम्मी की बहन से शादी कर लो, जितनी बहनें घर में पैदा हो रही हैं सबको निकाह के नाम पे नंगा कर दो, सबके साथ ठरकबाजियां मचा लो, 72 वर्जिन हूरों का मजा मिलेगा आपको। तो ये बातें अट्रैक्ट करती हैं मुसलमान मर्दों, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। देखिए मुजफ्फर भाई, मुझे पता है कि मैं मुंह की इतनी खरी हूँ इसलिए मैं मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं आती। आज अगर मैं
कंधा और पीठ सहला सहला करके मुसलमान मर्दों का बात करने लगू, देखिए वो मेरी तारीफ करने लगेंगे, वो मुझे कहेंगे नाज़िया बहुत अच्छी औरत है, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं एकदम तलवार की नोक पर बात करती हूँ, सबूतों और तथ्यों के आधार पर बात करती हूँ, मैं एक परिंदा पर ना मारने दूं अपने इर्द गिर्द, इसलिए मैं मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं आती हूँ, क्योंकि उनको पता है इसको हम सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते, इसीलिए वो मुझे अपने शब्दों से अपने दिमाग को और अपने कलेजे को ठंडा करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा दीदी, आपके लिए एक मैसेज है, मेरी एक बहन है कनाडा के अंदर, उन्होंने स्पेशली आपके लिए एक पैगाम दिया था, वो कह रहे थे कि जब मैं आपकी तरह थी तो आपकी तरह ही मैं नडर थी, बड़ी बहादुर थी, और लेकिन मुझे उसका बहुत नुकसान बाद में उठाना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी, तो वो आपको कह रही थी कि आप थोड़ा सा आप इन लोगों से बच के बात किया करें, आप थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखा करें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी उन्होंने भेजी थी, मैं उनका नाम यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो अगर ये प्रोग्राम देखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा, तो आपके लिए उन्होंने बहुत ही दुआएं आपको दी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करें कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे यहाँ पर। मैं मुजफ्फर भाई के मार्फत मेरी कनाडा वाली बहन को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए जब हम खुदा लिखते हैं उर्दू या अरबी में तो एक नुक्ता ऊपर होता है तो खुदा होता है, नुक्ता नीचे चला जाता है तो जुदा हो जाता है, तो मेरी जान अल्लाह तबारक ताला ने मेरी माँ के कोख के जरिया दिया, मैं पैदा हुई और जन्म होने के बाद मेरे ऊपर मेरे देश के प्रति जो कर्तव्य है वो मुझे करना ही करना है, उससे मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता है, और मेरे मुस्लिम समाज की बहनों के लिए जो जिम्मेदारी है वो भी मुझे निभाना है, उससे मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता है, जो बेहूदगी जो बेशर्मी मुसलमान मर्द इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं उसका पर्दाफाश मुझे करना ही करना है, एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हजारों करोड़ों अरबों दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ तो जीसस क्राइस्ट भी है, मेरे साथ भगवान राम भी है, और मेरे साथ अल्लाह तबारक ताला, तो हर धर्मों के जो लॉर्ड है जो भगवान है वहां वहां के लोगों से मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस दिन बिगाड़ेगा तो मैं ये भी कह दे रही हूँ कि कोई मुसलमान ही बिगाड़ेगा, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और धर्म के लोग मेरा सवार सकते हैं, मुझे बना सकते हैं, मेरी जिंदगी और खूबसूरत कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने का काम सिर्फ मुसलमान लौंडों का ही होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा, बस दुआओं में याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, और दुआ करें कि मैं जिस मुहिम को छेड़ी हूँ उसमें मैं कामयाब रहूं। बहुत शुक्रिया नाज़िया बहन आपका, हमारी जितने भी देखने वाले हैं पाकिस्तान से हैं, ज़्यादातर तो खैर भारत से या पूरी दुनिया से हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हैं, आप जिस मिशन के ऊपर हैं, आप जो काम कर रही हैं वो एक जगाने वाला काम है, जो सोई हुई कौम को जगाने वाला काम है, अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने वाला काम है, अपने बच्चों को एजुकेशन देने वाला काम है, ये मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें और सही वाली एजुकेशन दें, ये नहीं कि वो जो रवायती तौर पर बताया जाता है कि ये ऐसे है ये वैसे, उससे बाहर निकले, उन चीज़ों से बाहर निकले, इंसानियत की तरफ बढ़ें। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस टॉपिक पर हमारा आज का सेशन था, आज का पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था, मैं अपने भारत के सभी सनातनी बहनों से आग्रह करती हूँ कि जितना हो सके मुस्लिम्स को बॉयकॉट करें, जितना हो सके, ये अकल समझ दिमाग नजर सबसे गंदे हैं, सबसे बेहूदा है, जितना बन पड़े जहां जहां से बन पड़े वहां वहां से मुसलमान गलियों को, मुसलमान दुकानों को, मुसलमान के कारोबार को, मुसलमान के होटल्स को, मुसलमान की मिठाई की दुकानों को, मुसलमान के मोदी दुकानों को, मुसलमान की हर एक चीज की दुकानों को बॉयकॉट किया। मैं भारत के सभी शक्तियों को मैं ललकार रही हूँ, मैं दुर्गा शक्ति माँ शक्ति को मैं ललकार रही हूँ, मैं माँ पार्वती के स्वरूप को ललकार रही हूँ, मैं भारत की हर एक सनातनी बेटी को कह रही हूँ, मैं आग्रह कर रही हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुसलमानों को, मुसलमानों की दुकानों को,
मुसलमानों के कारोबार को, मुसलमानों की जितनी भी चीजें हैं उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दें आज से। उनको एहसास कराएं कि काफिर कहने का क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मुल्ला मौलवी बल्कि कट्टरपंथियों को भी आड़े हाथों लिया और उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जैसे कि नाज़िया खान जी ने खुद कहा, वो बात करती हैं तलवार के नोक पे और डंके की चोट पे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी हम सब जो उनके वेल विशर्स हैं, जो भी उनके सनातनी भाई हैं, उनकी दुआएं हमेशा नाज़िया खान जी के साथ हैं कि वो हमेशा ही तंदुरुस्त रहें और सुरक्षित रहें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।